entire theater just for myself. Pura theater mere naam. ये देखो माय बॉयज एंड गर्ल्स, आज ये पूरा थिएटर सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा और कोई नहीं है. मैं कहीं पे बैठ सकता हूँ, कहीं पे भी, सिर्फ मेरा पूरा पूरा IMAX पूरा. सॉरी तू देख भी रहा होगा तो क्या ही बोल रहे होंगे. स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे एक और नए दिन के एक और नए व्लॉग में. मैं जरा धीरे बात कर रहा हूँ, एक रीजन उसकी वजह से. रीजन पता क्या है, अभी क्या टाइम हुआ है, अभी बज रहे 4:15 सुबह के, 4:13 AM हुआ है और मैं पूरी रात भर नहीं सोया, सो ही नहीं पाया. मुझे जाना है फिल्म देखने, मेरा शो है 10 बजे का, अनचार्टेड में फिल्म देखने जा रहा हूँ. 10 बजे का शो है और पूरा थिएटर खाली है. मैंने अभी बुक किया टिकट, रात को बुक कर ली थी. एक लौती सिर्फ मेरी सीट है क्योंकि मैं पूरी रात भर जागा भी हूँ. अब तो मैं सोऊंगा नहीं, वो भूख भी देर लग रही थी. जब भूख लगी होती है ना तो सो नहीं पाते, पेट में गुड़ गुड़ होने लगती है, दर्द होने लगता है. खैर तो अभी मैं नहाता हूँ और फिर क्या ही सोऊंगा मैं. खैर मैं नहा A few moments later. वेरी गुड मॉर्निंग. नहा के आ चुका हूँ, बारिश पता चल रहा होगा. सुबह के 5 बज चुके हैं. अब कन्फ्यूजन ये है कि मेरे को सोना चाहिए नहीं, बस डर ये है कि अगर सो गया तो सोता ना रह जाऊँ, फिल्म निकल जाएगी, पैसे वेस्ट हो जाएंगे. एक अलार्म लगाना बहुत सारे, एक ना एक सर उठूँगा. 10 बजे की फिल्म है, 9 बजे घर से निकलूँगा तो भी बहुत आराम से टाइम से पहुँच जाऊँगा, बहुत आराम से आधे घंटे पहले ही पहुँच जाऊँगा. तो 8:30 बजे तक मैं सो सकता हूँ क्योंकि नहा धो तो चुका ही हूँ, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस कपड़े पहन के चेंज करके निकल जाऊँगा, सो ही जाता थोड़ी. टाइम हो गया ऑलमोस्ट 9, मैं हो गया हूँ रेडी, सो गया 2-3 घंटे, अब बस निकलता हूँ. शिम्बू बाय, शिम्बू शिम्बू बाय, शिम्बू बाय. थैंक यू भैया. एक काफ़ी बेहतरीन मोटो ब्लॉग ना बन पाया क्योंकि मैं पीछे बैठा था बाइक पे. क्या ही बनाता मोटो ब्लॉग, मतलब मैं थिएटर पहुंच चुका हूं और मुझे ऐसा लग रहा है था कि मैं लेट हो जाऊंगा, बट सही टाइम पे पहुंच गया. एक्चुअली अब कैब या बाइक कुछ बुक, कैब तो नहीं ऑटो है, फिर बाइक कुछ हो नहीं रहा था बुक, और सुबह से बड़े टाइम है पी का बट कह रहा बुक कर लिया, पहुँच गया टाइम पर. और यहाँ पर अपनी फिल्म बस अकेले चलते जाना है और कोई है भी नहीं है साथ में. और अभी मेन गेट से एंट्री भी स्टार्ट नहीं है तो मेरे को पीछे वाले गेट से जाना है. ना कोई शॉप खुली है, ना कुछ खुला है, सुपर थिएटर खुला है और मैं आगे थिएटर की तरफ जा रहा हूँ. वैसे पता है मुझे ऑनली स्पीकिंग फिल्म अकेले देखना बहुत सही लगता है, साथ में कोई भी ना हो, अकेले बैठ के पूरा चिल कर सकता हूँ. कभी कभी मुझे भरे थिएटर से ज़्यादा भी खाली थिएटर ज़्यादा पसंद है, लेकिन आज देखना आज कितना खाली थिएटर है. सुपर एट पीवा डायरेक्टर्स कट जहाँ पे मैं शांगची देखने के लिए गया था, बड़े महंगा टिकट है यार वहाँ का. मेरी फिल्म है वहाँ पे IMAX क्या हूँ मैं, वहाँ पर देखना भी पाप है तो महंगा सब कुछ. ये है मेरा IMAX ऑडी थिएटर, अभी तो बंद है, तो है टाइम जो टाइम है मना कर दिया, अब तो एंट्री स्टार्ट नहीं हुई है, तो यहाँ पर जाके थोड़ा चिल किया जाए, रिलैक्स किया जाए. लास्ट टाइम IMAX में फिल्म देखने आया था वेनम 2 सितंबर में, शौर्य का भी मन था इस फिल्म को देखने का अनचार्टेड, बट उसके ऑफिस के टाइमिंग्स की वजह से वो नहीं आ पाया. और हम तो यूट्यूबर हैं, हम तो खाली पड़े रहते हैं, और आके यहाँ पे थोड़ी देर बैठना है, वो अपने आप ही बुला लेंगे मूवी स्टार्ट होगी. तो सिर्फ अनचार्टेड क्या, अभी पूरा थिएटर कोई भी फिल्म देखने नहीं आया, सार पे सब खाली है. इसका बाथरूम तो नॉर्मल है लेकिन डायरेक्टर्स के द्वारा बाथरूम बहुत अच्छा था, कॉपरेट देखा जाए. टाइम है फिल्म को स्टार्ट होने के लिए, समझ जाने क्या करूं. ये IMAX ऑडी मेरा टाइम है अभी. सीन ये है कि अभी 2-3 मिनट और लगेंगे नॉर्मल है, कि अभी कुछ इश्यू आ रहा है तो उसको ठीक कर रहे हैं, उसके बाद फिर फिल्म फिलहाल अलाउ करेंगे. खाली होगा देखो कर लेंगे, और कोई ऑप्शन ही क्या है. ऑलराइट, सो एंट्री हो गई है स्टार्ट. एंट्री क्या स्टार्ट हो गई, मेरी एंट्री है सिर्फ.
थैंक यू टायर थिएटर जस्ट फॉर माई सेल्फ पूरा थिएटर मेरे नाम ये देखो माय बॉयज एंड गर्ल्स आज ये पूरा थिएटर सिर्फ मेरा है सिर्फ मेरा और कोई नहीं है मैं कहीं भी बैठ सकता हूँ कहीं पे भी बहुत वंस इन अ लाइफ टाइम वाले अपॉर्चुनिटीज होते हैं मोमेंट्स होते हैं जब ऐसा पूरा थिएटर खाली मिल जाए वो भी आईमैक्स पूरा खाली आज आईमैक्स सिर्फ मेरा पूरा आईमैक्स पूरा पता नहीं कोई देख भी रहा होगा तो क्या ही बोल रहे होंगे सुपर प्रोजेक्शन स्क्रीन आईमैक्स यार ये आईमैक्स की स्क्रीन से इतनी बड़ी होती है ना बहुत लार्ज मजा आता है ऐसा फिल्म देखने के लिए बस और कोई याद है भी नहीं यार क्या बताऊँ मैं मतलब बड़ा सही लग रहा है मुझे एक बार फिर से बोलूँगा क्योंकि बोलने में मजा आ रहा है आज पूरा आईमैक्स सिर्फ मेरा तुम्हारे भाई का खाली 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 हर जगह से खाली एक परिंदा तक नहीं मतलब परिंदा क्यों ही होगा यहाँ पे मैं आज आराम से मस्त मार के चिल मार के फिल्म देखता हूँ जो मेरे को सीट पसंद आएगी वहाँ पर बैठूंगा ऊपर ही बैठ सकता हूँ ऊपर ना लेग स्पेस नहीं है यहाँ पे लेग स्पेस सबसे ज़्यादा है ये मेरे को शौर्य ने सिखाया था कि हमेशा ये वाले सीट्स लो यहाँ स्क्रीन भी बीच की दिखती है और लेग स्पेस भी सबसे ज़्यादा होता है काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं अरे अंधे अरे मुकेश आ गया इंटरवल चल रहा है मजा आ रहेगा सच बोल रहा हूँ इतना मजा कभी नहीं आया लाइफ में तो एंड गेम में अकेले थिएटर में देखने मिलती ना उसमें भी मजा आता है ऐसा लग रहा है थोड़ा सा जरा फिस होके आ जाए तो आगे फिल्म कंटिन्यू करते हैं अपने अकॉर्डिंग ही चली गई फिल्म बैक टू थिएटर अभी तो आई थिंक एड वगैरह भी चलते रहता मुझे लगा था अकेला ही हूँ मैं तो ऐड वगैरह नहीं चलाएंगे बट चला रहे हैं खुद ही को अपग्रेड कर लिया मैंने वहाँ बैठा था अब यहाँ पे कहीं पे आई रियली विश ऐसा मौका ना सबको जिंदगी में एक बार जरूर मिले एम्प्टी थिएटर में पूरा अकेले से आपके लिए फिल्म चल रही है अकेले से आपके लिए फिल्म चल रही है अलग ही मजा आता है मूवी खत्म हो गई मजा आया बहुत मजा एक नंबर यार मूवी ज़्यादा ना एक्सपीरियंस अच्छा था मैं मतलब बार बार ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वर्ड्स में पुट इन क्या हो गया मैं एक साथ वर्ड्स में पुट इन नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे एग्जैक्टली क्या फीलिंग्स रहे हैं अकेले बैठ के फिल्म देखना अब देखो फिल्म का अगर मैं रिव्यू दूँ तो ठीक है मूवी वन टाइम वॉच डेफिनेटली और थिएटर वगैरह ऐसे एक्सपीरियंस लेने के लिए तो और भी अच्छी है थिएटर में देख के आऊँ थिएटर में देखने का हर फिल्म का मज़ा तो अलग होता ही होता है और जितने भी वीडियो गेम्स के ऊपर मूवी बनती है ना मैं समझ रहा हूँ कि वो चलती क्यों नहीं है क्या रीज़न होता है जो फैंस उनको पसंद नहीं करते क्योंकि वीडियो गेम्स ना जैसे नॉवल्स होती हैं नॉवल बहुत डेप्थ में लिखी जाती हैं अब मूवीज़ कभी भी जस्टिस नहीं कर सकती हैं सिमिलरली इस मूवी का भी यही है कि वीडियो गेम का सोर्स ना वो बहुत अच्छा है तीन चार गेम्स आ चुके हैं पाँच कह लो चलो ऑलमोस्ट उसके ऊपर एक मूवी बनाना जिसका भी और सीक्वल्स भी आएंगे एक और चीज़ प्रॉब्लम हुई है इस फिल्म के साथ वो है कास्टिंग की कास्टिंग का बहुत बड़ा इशू है ना सिर्फ एक एक्टर्स के साथ एक एक्टर के साथ बल्कि और बहुत बड़े मतलब मैं स्पॉइलर कह सकता हूँ एंटोनियो बैंडरास का जो कैरेक्टर है वो ज़रा मैं डिसअपॉइंट हो गया कास्टिंग को लेके इतने बड़े एक्टर के साथ अगर आप लोगों ने फिल्म नहीं देखी है तो नहीं बोल रहा बट आप फिल्म देखो तो समझ पाओगे मेरे क्या इमोशन है तो मतलब एंटोनियो बैंडरास इतना बड़ा एक्टर उसका आपने ऐसा रोल लिया तो थोड़ा थोड़ा खटपटाया मुझको वो खैर क्या फ़र्क पड़ता है ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है मूवी वन टाइम वॉच डेफिनेटली है एडवेंचरस फिल्म है मज़ा आता है एडवेंचर फिल्म देखने में बहुत पसंद है इंडियाना जोन्स हो गई टूम रेडर हो गई और कौन कौन सी फिल्म यार नक्शा और मेरे को एडवेंचर फिल्म और जंगल क्रूज जितनी भी होती हैं इनको देखने में मज़ा तो अलग ही आता है तो एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा बाकी मैं अभी घर जाके बात करता हूँ यहाँ से निकलूँ पहले वैलेंटाइंस डे के यहाँ पर सेलिब्रेशन डेकोरेशन अभी मैं टच छोड़ो यार डांट वाट पड़ जाएगी टच कर सकता हूँ वैसे लेकिन छोड़ो चलते हैं घर चलते बैक होम अपने शिम्बू के पास शिम्बू भैया आ गए शिम्बू के चले आओ चलो आओ घुमा के लेके आओ तुमको आ जाओ शिम्बा चलो आओ घूमने के नाम से तो हमेशा तैयार है सर चलो आ जाओ हाँ तो दोस्तों अब ज़रा थोड़ी वार्तालाप कर लीजिए तो जो आम टिकट प्राइस होता है आईमैक्स का अगर आप कोई बड़ी फिल्म लगी है ठीक है अभी द बैटमैन आने वाली है स्पाइडरमैन नो वे होम गई डॉक्टर स्ट्रेंज 2 आएगी
और कोई भी जब कोई बड़ी सुपर हीरो फिल्म आती है, फिर कोई बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइजी वाली फिल्म आती है ना, उसका प्राइस तो ये 500-600 रुपये कर देते हैं वीकेंड पे, और वीकडे पे भी उस टाइम पे आई थिंक 300-400 के आसपास रखते हैं। अभी अनचार्टेड के साथ क्या हुआ कि थिएटर्स बिल्कुल खाली चल रहे हैं, बिल्कुल खाली, कोई आ नहीं रहे, तो उन्होंने वीकेंड पे प्राइस रख रखा था 250 रुपये का, 250 रुपीज़ फ्राइडे सैटरडे संडे, और मंडे को भी इतना ही था। लेकिन मैंने आज ट्यूसडे को मैं देखने के लिए हूँ, तो मुझे जो टिकट का प्राइस पड़ा था वो था 175 क्लासिक वाला, क्लासिक, और जो प्राइम वाले जो ऊपर की सीट्स हैं, लाउंज वाली सीट्स हैं, वो 225 का। तो मैंने 175 का बुक किया और थिएटर बिल्कुल खाली, बिल्कुल एम्प्टी थिएटर, आप लोगों ने देख ही लिया ब्लॉग को, प्लस 175 प्लस थोड़ा टैक्स वगैरह लगा के 203 के आसपास मेरे को टिकट मिला। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई स्कूल की ट्रिप होती है, अगर जब पूरा ऑडिटोरियम भरा जाता है, जब उसका टिकट प्राइस किया जाता है, तो आई थिंक 5 से 10 हज़ार रुपये का तो खर्चा आता ही होगा हर एक सीट को अगर गिना जाए तो। मतलब आज मैंने अगर जो अकेले बैठ के फिल्म देखी है, कुछ 5 से 10 हज़ार रुपये के आसपास मैंने वसूली है उसमें। तो अगर कभी ऐसा मौका मिले ना अकेले फिल्म देख के आने का, थिएटर में देख के आना, अगर मतलब ऐसा नहीं अकेले, एज इन आप अकेले जा रहे हो, थिएटर भरा तो होगा ही डेफिनेटली, तो वंस इन अ वाइल वाली अपॉर्चुनिटी होती है, अकेले फिल्म देख के आओ, बहुत मज़ा आता है, सही कह रहा हूँ, जस्ट इन्जॉय योर ओन कंपनी, अपनी कंपनी इन्जॉय करना सीखो, मज़ा आएगा। तो यहीं तक करते हैं आज के ब्लॉग को, आज की वीडियो को, आई होप ये आपको एक्सपीरियंस पसंद आया। वैसे मैं फिल्म देखना ही चाहता था, कुछ खास ऐसा मेरा मन नहीं था, ODT पर रिलीज़ हो ही जाएगी आने वाले 1-2 महीने में, बट खैर कोई बात नहीं, मज़ा आया, एक्सपीरियंस अच्छा रहा, ब्लॉग बन गया, ब्लॉग के लिए स्पेसिफिकली मैं गया था। और आज का कोट ऑफ द डे है वो ये है कि बड़ा बनो, लेकिन उनके सामने नहीं जिन्होंने आपको बड़ा किया। प्लीज़ लाइक कर देना अगर आप चैनल पे अभी आ रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, मेरे पुराने व्लॉग्स देखिए, पुरानी वीडियोस देखिए, प्लीज़ देखिए, 200 से ऊपर व्लॉग्स मैं बना चुका हूँ, और प्लान तो ये है कि इसके ऊपर मैं व्लॉग हमेशा बनाता रहूँगा जब भी पॉसिबल होगा, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000। खैर मिलता आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज़, लाइफ हमेशा अच्छा करिए, आगे बढ़िए, और अपने थॉट्स मुझे कॉमेंट्स में आकर ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।